नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 6 जुलाई है ना, 6 जुलाई का सुबह ये मनोरम दृश्य है। आकाश में काले काले बादल डटे हुए हैं, कुछ ही क्षणों में बारिश होने की संभावना है और इस बारिश में हमारी लता पता इखलाइयाँ ले रही है और अपने फूल फल को तोड़ रही है। देखिए कहाँ तक गया हुआ है, ये जो है कहाँ तक झूम रही है, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पात देखिए। इखलाइयाँ ले रही है, काफ़ी फला है, बहुत खाए है। ऑर्गेनिक घेरे का सब्जी देखिए उस पर गया है, उस पर एक फ्रूटिंग्स दिख रहा होगा आपको। देखिए देखिए कहाँ गया है, उस पर देखिए फ्रूटिंग्स है, दिख रहा है ना ये देखिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बस एक सर्कल बना लेते हैं और उसमें जानते हैं कि बस वही तक दुनिया है। नहीं, अगर आप आज के वैज्ञानिक आइंस्टीन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक सब भी रिलायबिलिटी के ऊपर में प्लस इमेजिनेशन के ऊपर में खोज कर कर करके हमें आपको बताया कि इमेजिनेशन ही दुनिया है, जो आप चाहते हैं वही होता है। तो आप चाहते क्या है और कैसा चाह है आपका, चाह की जो है दृढ़ संकल्पता कैसी है, वो मेन चीज़ है। गुरु आप चाहते हैं तो अगर आपके, मैंने एक रिसर्च किया है कि गुरु अगर आप शरीर भाव में नहीं हैं तो अंतःकरण में गुरु उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको समझने का। आज मैं अपने गार्डन में आया हूं और इस सब व्यू दिखाने के लिए कि देखिए कि इसमें बिना खाद बिना बाहर के फर्टिलाइज़र का ये हमने प्रण किया हुआ, इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाने के साथ कहता हूं कि हमारे इस गार्डन में किसी प्रकार की बाहरी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि मेरा कहना ही है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हानिकारक या जो अप्राकृतिक ढंग से पौधों का हार्मोन्स जनरेट करता है, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और अच्छे स्वास्थ्यवर्धक और आयुवर्धक सब्जी को खाइए। हम देखते हैं कि कहीं कहीं, क्योंकि अब ऐसा हो गया इतने सारे जंगल हो गए हैं इसमें कि कहाँ फ्रूटिंग कर देता है ये पता ही नहीं चलता रहता है, समझे। कहीं ना कहीं फल जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है सो ये हो जाते हैं। देखिए देख रहे, ये देखिए आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए फ्रूटिंग्स कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं। शिमला मिर्च में अब फ्रूटिंग्स कम हो गए हैं, फ्लावरिंग्स हैं, देख रहे हैं फ्लावरिंग्स आ रहा है, नट्स हो रहे अच्छे अच्छे। और आइए आज मैंने ये देखिए, ये पारिजात का पौधा है, इसे पारिजात कहते हैं और इसको हर सिंहार भी कहते हैं। इसके बहुत सारे जो है सो इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, मेडिसिनल गुण हैं जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ही लाभप्रद होता है। कभी जब इस पर बात करेंगे। देखिए करेला की उत्पत्ति, जो करेला की जो है सो हमारी जो क्वालिटी है ये अच्छा है, देसी करेला है, ये आगे तक जाता है, देख रहे हैं अभी फला हुआ है। यहाँ एक था घर घेराई तोड़ लिया था, ये देखिए अच्छे फ्रूटिंग्स हैं करेला के अंदर में, बहुत अच्छे फ्रूटिंग्स हो रहे हैं, ठीक है। ये भिंडियाँ भी अब रेड भिंडी जो है हमारा जो है, ये भिंडी भी अब पैदावार अच्छा कर रहा है। अभी बारिश जो हुआ है ना, सबको जो नाइट्रोजन, देखिए नेचुरल जो चीज़ें हैं उसकी कुछ और वैल्यू होती है, वो पौधों को बहुत सारा न्यूट्रिशंस देता है। हम अप्राकृतिक ढंग से कुछ भी दें मगर नेचुरल तौर पे अगर हम रखें तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप अपने आप में नेचुरल रहेंगे ना तो प्रकृति भी आपका साथ देगा, अन्यथा प्रकृति विमुख हो जाती है। देखिए एक करेले के पत्ते का साइज देखिए, अब इसको क्या होता है कि ये भी संसर्ग खोजता है, संसर्ग संगते गुणा दोषा है, मतलब क्या है कि इसको ये अड़हुल की जो मिल, मैं किसी को छेड़ता नहीं, जो जहाँ जाना चाहता जा सकता है, ठीक है ना, जो जहाँ जाना चाहता वो जा सकता है। तो इसमें क्या है कि हम इसको
दे देते हैं प्रिविलेज की जहाँ जाना हो जाओ भाई। ये देखिए भिंडी का पौधा अभी कितना हरा भरा दिख रहा है, इसमें भिंडियाँ भी लाल लाल आ रहे हैं, अच्छे खासे भिंडी। और ये 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 ये, ये देख रहे हैं फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग जो दिख रहे हैं ना अब, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फ्लावरिंग है। ये है पंपकिन का, मतलब सीताफल का, ये जो है अच्छे खासे हो रखे हैं। इस बार मेरा पपीता शायद फट सकता है, ये जो है पपीता इस बार फट सकता है लगता है, आ सकता है। अच्छा देखिए ये जो बतिया में जो हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, ये कम से कम 2 फुट का है, ये 2 फुट का बतिया है, इसकी पैदावार देखिए देख रहे हैं, ये 2 फुट का कम से कम है। अभी हमने तोराई भी करी, हमारे मैडम ने किया है उस भी 1-2 का, अभी देखते हैं। ये बैजंती का पौधा है जो अभी अब फ्लावरिंग करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन जीने के लिए, जीवन धन जगदीश्वर के लिए है। जीवन में पैसे ही सब कुछ नहीं होता, और पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकता ना। पैसे देखिए, पैसे मस्त है, पैसे कमाना सामर्थ है, पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता। ये आज नहीं, हर एक युग में रहा है कि पैसे के बिना हम जीवन को नहीं चला सकते। मगर पैसे का एक क्राइटेरिया है, एक स्थान है कि किस स्थान पर रखें हम, पैसे का एक यूज है कैसे यूज करें हम। मगर होता क्या है कि एक चैन के टूटने से सारे चैन टूटने लगते हैं। तो बात भी ठीक है कि इसीलिए जीवन को हम कैसे चलें ये देखने हैं। दिखाओ क्या क्या तोड़ा है आज आपने। अरे 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 अरे, फूल पूरे ग्लास में ही तोड़ लिया, वाह वाह वाह, देखिए पूरे ग्लास भरे पड़े हैं फ्लावर्स से हमारे। देखिए ये पूजा के लिए दुर्वा का इस्तेमाल करते हैं। दुर्वा का क्यों इस्तेमाल होता है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि सनातन में जितने भी चीज़ें हैं पूजा पाठ की जो विधि विधान है सबका एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि वही चीज़ चलता है जो आपके पूजा में। अरे फूल सब गिर रहा है, पूजा में वही चीज़ जो है। देखिए पूरा ये अरहुल का ये पूरा फ्लावरिंग है, पूरा कसा हुआ है, 10-15, 7-8-10 करीब फ्लावरिंग है देखिए ये। तो पूजा में वही चीज़ इस्तेमाल होता है, वही फ्लावर इस्तेमाल जो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है, जो आपके शरीर के लिए बढ़िया होता है। नीचा से ऊपर ले ये देखो, ये रेड भिंडी है, इसकी देख के ही मन जो है सो भर जाता है। ये तोड़ा है हमने, तो चलिए आगे से फिर आप लोग के साथ बने रहेंगे और भी वीडियो में बात करेंगे। तब तक हम चाय पी लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मास्टर जी गाइस।